हेलो एंड वेलकम टू द फ्रेंड कैन कैंपस। आज हम आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर ऑल ब्रांच अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर लेके आए हैं, जिसका हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन जून 2019। ये पिछले साल का पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। तो ये आइए आपको अंदर से दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड कोड है, यहाँ पे दिया रहेगा पेपर कोड। ये मैक्सिमम मार्क्स 50, मिनिमम 17 देख सकते हैं। और तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो इसमें मैं हिंदी वालों को दिखाऊंगा, और आप पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हिंदी वाला पेपर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश वाला है, तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं हिंदी वाला बता दूंगा। बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों का PDF ले सकते हैं। देखा बताते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कोई 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, एक एक मार्क्स का रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन, वायु में चल रही ध्वनि और प्रकाश तरंगे हैं। तो एक एक नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन आता हो वो एक टिक नहीं करना, आपको सही आंसर लिखना है, टिक नहीं करना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा। जो भी आवर्तकाल होगा आप लिख दीजिएगा सही ऑप्शन। यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश का वेग क्रमशः CVWVS हो तो कौन सा संबंध सही है। तो जो सही हो आंसर आप अब लिख दीजिएगा। अगला है, निर्वात के लिए पैरा वैद्युतांक का क्या मान होता है। अगला, निम्न में से वैद्युत धारिता का मात्रक हो। हाँ, कि कोई किसी किसी में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको बिना ऑप्शन का भी आंसर लिखना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ ऑप्शन आप मत लिखिएगा क्वेश्चन, और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर नंबर, फिर जो ऑप्शन सही वो लिख दीजिए। अगला, किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे कि उत्पन्न धारा 1 एम्पियर हो। जितना होता भाई आप लिख दीजिएगा। अगला, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी भौतिक राशि समान है। तो जो भी आपको भौतिक राशि समान है वो आप लिख दीजिए। अगला 8th क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा भाई, जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है आप देख सकते हो। अगला देख सकते हैं आप, अधिकांश पदार्थ कौन सा चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रदर्शित करते हैं वो आप लिख दीजिएगा सही ऑप्शन। फिर आगे 10th क्वेश्चन, पी टाइप अर्धचालक में कौन सा धारा मुख्यतः निम्न में से किसके द्वारा प्रवाहित होती है। और अगला 11th क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक पदार्थ कौन सा है, सामान्य पदार्थ। एक ऑप्टिकल फाइबर में उस प्रकाश का गमन किस प्रकार, किस घटना द्वारा होता है, जिस द्वारा। ये 12 क्वेश्चन दिए हैं स्टार्टिंग में, इसमें से आपको कोई 10 करने हैं, एक एक मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 6 या 7 दिए हैं शायद, हमको गिन के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिए आपको, कोई 5 करने, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, ये देख सकते हैं आप। तो देख लीजिए, सहबाइन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, सहबाइन का नियम, प्रकाश की दोहरी प्रकृति से क्या तात्पर्य है, और एक वोल्ट की परिभाषा, और पृथ्वी तल का वैद्युत विभव क्या है, व्हीटस्टोन सोधी का सिद्धांत, एम्पियर का नियम, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम का उल्लेख कीजिए, सरल आवर्त प्रगामी तरंगे से आप क्या समझते हैं। इन्हीं 2 खंडों को लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको 3 दिए हैं, कोई 2 करने, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपको कोई 2 करने, 3 नहीं करने। तो व्यतिकरण और स्पंदन में अंतर, रेडियो तरंगे, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको, रेडियो तरंगे 3×10^8 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रसारित होती है। एक रेडियो प्रसारण केंद्र 1.2 मेगा साइकिल स्टैंड पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, प्रसारित तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। अगला क्वेश्चन, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए और व्याख्या कीजिए, गॉसियन प्रश्न। अगर आपको इस इंपॉर्टेंट पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आगे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए।
प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए और इसकी एसआई मात्रक लिखिए। प्रतिरोधकता का ताप पर चालकों और अर्धचालकों पर क्या प्रभाव होता है? डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में एक संतुलित व्हीट स्टोन दिखाई गया। ये देखिए आपको चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 10 ओम, ये व्हीट स्टोन बना हुआ है। इसमें आपको निकालना क्या है? अज्ञात प्रतिरोधक का मान, धाराओं I1 I2 के मान ज्ञात करने हैं। ये 3 क्वेश्चन, कोई 2 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, पांचवा और आखिरी, 5 क्वेश्चन टोटल आपको दिए जाएंगे और ऑप्शन भी आएंगे सब में, तो देख सकते हैं। इसमें भी 3 दिए, कोई 2 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिखा देते हैं। पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टकारी की भांति क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक सिंगल मोड फाइबर में प्रकाश संचरण का उल्लेख कीजिए। संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला भी इसी प्रकार दिया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। सेम, कोई कंटेंट में फ़र्क नहीं रहेगा, बस लैंग्वेज का फ़र्क रहेगा, ये देख सकते हैं आप। देखिए, देख सकते हैं, देखिए आगे दिखा दे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो आप जिस भाषा में चाहे आप पेपर दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना के आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं खुद ही इनका इंपॉर्टेंट लेक्चर बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर और भी सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।